हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया व्लॉग और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो मैं उठ चुकी हूँ 7 बजे। विक्की सो रहा है और कुहू तो सोती ही है अभी ऑब्वियसली इस टाइम पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जाने वाले हैं आइकिया। आज है सैटरडे, तो बेसिकली मैं कर रही हूँ वीकेंड का व्लॉग बहुत टाइम बाद। आज हम जाने वाले हैं आइकिया, फिर उसके बाद आज आने वाली है निशा मिलने के लिए। एक्चुअली आइकिया हम जाने वाले थे लास्ट वीक ही जब हम आए थे, बट फिर हम जा नहीं पाए थे क्योंकि विक्की को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया था। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं। तो आज जब हमारी रोटी वाली आंटी आएंगी, अच्छा हाँ, हमारे यहाँ कुक लगी हुई है, तो जो कुक लगी है वो जो पहले हमारे यहाँ रोटी बनाती थी वो अभी रोटी सब्जी दाल सब बनाती है। तो जो आंटी है ना, शी इज़ क्वाइट एजेड और वो ज़्यादा काम नहीं करती, मतलब सिर्फ 3 घर करती है, एक मेरे यहाँ करती है, एक ऊपर भाभी क्या करती है, जस्ट हमारे ऊपर भी उनको बेटा हुआ है 1 मंथ ओल्ड है, और एक है जिनका बेटा है आई थिंक 8 मंथ्स का है, उन क्या करती है। तो जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन क्या करती है, और इतने आराम से, जैसे मुंबई का कैसा लाइफ स्टाइल है ना, इट्स लाइक भगदड़ वाली। अभी तक मैंने जितनी भी कुक लगाई हुई हैं सब आती हैं 15-20 मिनट में, अपना भड़बड़ भड़बड़ इधर काम उधर काम इधर काम इधर काम किया और निकल गए, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न, तो सब जल्दी 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 करते हैं और 10-12 घरों में जाके करते हैं, तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। बट शी इज़ लाइक बहुत आराम से, जैसे वो आती हैं आराम से 8:30-8:15 पे आती हैं, 10-10:15 बजे तक उनका हम दो लोगों का खाना बनाती है वो, बट आराम से बनाती है। और उनका जो पैटर्न है ना, वो भी शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली है ना, तो मराठी पैटर्न है, बट स्टिल अभी तक मुझे टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि आंटी हम लोग जो दाल बघारते हैं वो इस तरीके से बघारते हैं, आप ऐसा बनाओ। और टेस्ट क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो हमेशा स्माइली फेस से खुश होकर के खाना बनाती हैं, तो मेरे लिए भैया ये सब बहुत, मेरे गले में खाना नहीं जाएगा, मुझे पता चल जाएगा ना कोई चिड़चिड़ के खाना बना रहा है, मैं ऐसे चिड़चिड़े लोगों के खाना नहीं खा पाती हूँ। ये भर गया है कि आप जिस एनर्जी से खाना बनाते हो वो आपके अंदर जाती है, तो मैं नहीं खा पाती ऐसे लोगों के का खाना, ना ऐसे लोगों के हाथ का खाना, वो कोई भी हो फिर। तो इसलिए मेरे को बहुत है कि भाई खाना बना रहे हो तो ढंग से बनाओ, तरीके से बनाओ, कम बनाओ, कैसे ही बनाओ पर वैसा बनाओ। तो वो आंटी आती है हमारे यहाँ 8:15 पे आती हैं वो आराम से, तो आ जाएंगी, तो आज आलू के पराठे बनवाएंगे क्योंकि जाना है, तो खा के भी चले जाएंगे और वो रख के भी ले जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, आंटी से आटा थोड़ा ज़्यादा गुंदवा देती हूँ और शाम को खाना फिर रोटी वगैरह गर्म मैं ही बनाती हूँ। ऐसा शाम को भी हम बुला सकते हैं उनको, वो आती हैं शाम को, बट फिर इतनी सी रोटी बनानी रहती है, गिनती की 4 रोटी, विक्की तो ऑफिस चला जाता है तो 4-5 रोटी बनानी रहती है, तो वो तो मैं ही फटाक से बना लेती हूँ। तो अभी मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, प्लांट्स को करना है पानी। कल हम लोगों ने ये देखे आर फॉर रैबिट की ये मंगवाई है कन्वर्टेबल कार सीट। तो 2 कार सीट में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, एक तो था लव लैप की और दूसरी थी ये आर फॉर रैबिट की। कार में वो लग भी गई है, तो आज जब हम आइकिया जाएंगे तो कुहू को हम उसी में बैठाने वाले हैं। मुझसे स्ट्रॉलर के बारे में भी पूछा है लोगों ने, तो जो स्ट्रॉलर हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग, हमने परचेज़ नहीं किया है, बट अगर आप मुझसे रिव्यू पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके जो व्हील्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ चलता है। बाथ टब आया है, तो बाथ टब अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, जो हमने रिप्लेसमेंट डाला था ना वो देखिए वहाँ रखा हुआ है, पूरे घर में इसी का सामान है, तो जो रिप्लेसमेंट डाला था वो आ गया है, एंड अगेन रिप्लेस होकर के कुशन नहीं आया है जो फ्लोटिंग कुशन होता है। तो अभी सबसे पहला काम सुबह सुबह होने वाला है प्लांट्स को पानी देने का, ये टाइम बिल्कुल सुकून का होता है। तो मैं ना अभी सुबह वो सोती है अच्छे से, तो मैं क्या करूँगी, एक आध बार फीड लेने के लिए उठेगी, तो मैं अभी मस्त शार वार भी सब लेकर के फ्री हो जाऊँगी। ओके, सो आई जस्ट टुक शार, और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुहू को मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुलाया है, तो शार वगैरह सब कुछ हो गया है, अब बस ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, बस मुझे उसको तैयार करना है। तो पहले जाने से पहले अभी आपको मैं बताती हूँ, मैं अपनी स्किन दिखाती हूँ, माई स्किन इज़ डूइंग रियली बेटर नाउ। तो आई एम श्योर आप लोगों को मेरी सिचुएशन पता ही होगी, जो मेरे को रिएक्शन हो गया था फेस पे, मार्क्स अभी भी हैं, जाने में वो थोड़ा टाइम लेंगे, बट हाँ एज अ काफ़ी सबसाइड हो गया है, जो एलर्जी है वो तो पूरी तरह से जा चुकी है, क्योंकि वेदर चेंज हुआ था तो मेरी स्किन जो बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रही थी अब काफ़ी बेटर लग रही है, और आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा हाइड्रेटेड लग रही है। तो अभी मैंने शार लेने से पहले जो रूटीन फॉलो किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस मामर्थ न्यू लॉन्च, दिस इज मामर्थ बीट रूट हाइड्रा फुल मॉइस्चराइजर। इनका जो इंग्रीडियंट कॉम्बिनेशन है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाई इसको ट्राई करने से।
इसके अंदर बीटरूट एंड हाइलुरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, प्रॉमिसिंग टू प्रोवाइड इंटेंस हाइड्रेशन और आपको एक पिंक नेचुरल ग्लो देता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बीटरूट है, जो कि आपकी स्किन को प्लश पिंक ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड बीटरूट के साथ में हाइलुरोनिक एसिड मिला हुआ है, जो कि इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। दोनों कॉम्बिनेशन है वर्क्स वंडर टू गिव नेचुरल पिंक ग्लो एसोसिएटेड विद हेल्दियर स्किन। का जो लाइट वेट फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्विक अब्सॉर्प्शन देता है आपकी स्किन पे और इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। इसका जो टेक्सचर है वो इतने एफर्टलेसली ग्लाइड हो जाता है, एंड आप देख ही सकते हो मैंने अपनी स्किन पे लगाया हुआ है, माई स्किन इज लुकिंग अमेजिंग। ओके, तो इसके साथ में फेस वॉश भी आता है, तो मैंने जो अभी यूज किया है वो ये फेस वॉश यूज किया है। अगेन ये बीटरूट जेंटल फेस वॉश है मामा अर्थ का, एंड साथ ही साथ उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ये वाला मॉइस्चराइजर लगाया है। मुंबई के वेदर के लिए आई मीन दिस इज द बेस्ट, क्योंकि अब समर्स आने वाली है। यू नीड अ मॉइस्चराइजर जो बहुत ही लाइट वेट रहे और साथ ही साथ क्विकली अब्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि इसका जेल बेस्ड फॉर्मूला है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी, ट्राई जरूर करिएगा। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड जो कि है Style2024, अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ मामाअर्थ की वेबसाइट से। मामाअर्थ की वेबसाइट से आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर अवेलेबल ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट, अमेज़न, नाइका, फ्लिपकार्ट, एंड साथ ही साथ अभी आपके नियर बाय स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, चेक करना मत भूलिएगा। तो अब चलिए फटाफट से जो बाकी के काम है वो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सुबह ही कर लिया, मतलब 9 बजे से पहले मैं एकदम नहा धोकर के फ्री हो गई हूँ, और एक बड़ी पंगी की चीज़ आ गई है आपको दिखाती हूँ। तो हम लोगों का जो ये स्विच बोर्ड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दिख रही है सीलन। सो ये सीलन आ रही है इधर पे, क्यों आ रही है, आई थिंक बाथरूम उसके उस तरफ है, और ये अभी आना स्टार्ट हुई है, मतलब इससे पहले 2 साल इसमें तो अभी तक कभी देखी नहीं इस तरीके की सीलन, नई सीलन है। तो अब आएंगे जब, क्योंकि सीलन बहुत सारे रीजंस की वजह से घर में नहीं होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, और इन जनरल भी आपके घर पे सीलन वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो उसको इमीडिएट बेसिस पे ठीक कराएंगे, क्योंकि वो बढ़ ना जाए, बढ़ जाएगी तो काम और बढ़ जाएगा। अभी छोटे बेसिस पे कुछ होगा, पाइप अंदर से लीकेज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जो भी होगा अभी एक काम और बढ़ गया है, तो उसका मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, टेंशन हो रही है। फिर मिक्की मुझे बोलता है टेंशन लेके क्या करोगी, टेंशन लेके वो ठीक हो जाएगा क्या, फिर बोला हाँ ये बात भी सही है। मैं बहुत अपसेट हो गई थी, मैंने बोला शिट यार ये क्या, अभी तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे घर के अपने, ऐसे हो गई थी मैं। फिर वो मुझे थोड़ा काम डाउन किया कि ठीक है घर है, इसमें तो होता रहता है ये सब, कभी कुछ काम निकलेगा कभी कुछ काम निकलेगा, और अभी अब हमने रहना चालू करेंगे तो और 10 काम पता चलेंगे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। और अभी कुहू जग गई है, उसको अब बस मैं फटाफट से थोड़ा सा स्पंजिंग करूँगी, मैं आज शार नहीं दे रही हूँ उसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ठीक है, एक आध दिन शार नहीं दिया तो क्या हो गया, वैसे भी कोई बाहर तो जाती है नहीं, तो उसको चेंज कर दूँगी। अच्छा, मेरे पास इस डाइपर बैग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी मुझे लिंक दे दो। गाइज ये गिफ्टेड है, मैंने बोला मेरे पास 70% चीज़ें कुहू से रिलेटेड सब गिफ्ट में आई हैं, और मैंने खरीदी सिर्फ 30% ही है, तो अभी मैं इसको यही लेकर के जाऊँगी। तो इस कैडी बैग में मैं, जो उसका डाइपर बैग है, इसमें क्या क्या रखती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। ओके, तो अभी तो बिल्कुल खाली है ये देखिए, तो दिस इज हर हनुमान चालीसा, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। उसके बाद ये हाथ के एक पेयर ऑफ सॉक्स मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। ये वाटर बॉटल छोटी सी ये इसलिए है क्योंकि इन केस अगर हम कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमको पानी नहीं मिलता है और इसने पॉटी कर ली और हमको पानी का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग थोड़ा सा पानी रखते हैं। ये पीने का पानी नहीं है, ये हाथ धोने के, हालांकि हमने भरा पीने का पानी है, बट इसमें हाथ धोना उसको क्लीन करने के हिसाब से रख के रखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 pairs ऑफ हैंकीज, इसके टॉवल का काम करेंगे। नाउ ये बैम्बू वाटर वाइप्स है जो हम यूज करते हैं इसके लिए। नाउ 2-3 pairs ऑफ डाइपर्स, दिस इज माय फीडिंग कवर क्लोथ, 2 pairs ऑफ एक्स्ट्रा क्लोथ, फुटेड क्लोथ रखने वाली हूँ और एक नॉन फुटेड क्लोथ रखने वाली हूँ। एक इसका टोपा रखा जाएगा अगर इनकेस बहुत कुछ ठंड वंड हुई, ऐसा कुछ होता है तो। पेयर ऑफ बिप, उसके बाद 1 pair ऑफ सॉक्स, नाउ दिस इज डाइपर चेंजिंग मैट, एंड 1 toy जस्ट इन केस उसका मूड ठीक करने के लिए। अभी इसी में ही मैं अपना मोबाइल भी रखूंगी, इसी में मैं अपनी पानी की बॉटल भी रखूंगी, तो मैं फिर अब एक्स्ट्रा बैग कैरी नहीं करती हूँ। अभी मैं इसको पहनाने वाली हूँ ये वाले कपड़े, मुझे पता है ये बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी इसके पास हैं, बट आई एम मेकिंग श्योर विक्की बोरा एकदम घर के कपड़े उसको पहनाना, ताकि वो बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हो। हमारा जो कुहू है वो रेडी हो गया है, अरे बाप रे, अरे गुस्सा आ रहा है उसको बहुत तेज़ी से। तो ओके गाइस, जस्ट गॉट रेडी, और ओ माय गॉड, मतलब क्या भसड़ हुई है मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बच्चे के साथ ट्रैवल इज लाइक, मतलब अभी मेरा फर्स्ट था ना, मतलब अभी तक तो पेरेंट्स थे
थे तो उनके साथ ट्रैवलिंग करती थी तो बाकी काम कुछ करना नहीं पड़ता था। अभी क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ी, वाइंड अप टाइप का करना पड़ा ना, सो वो चीज़ है। बस अभी मैं निकल रही हूँ और मैंने जो ड्रेस पहना है वो ये है, वाइट कलर का कुर्ता, डेनिम और साथ ही साथ डेनिम मेरी पुरानी डेनिम है जो कि मुझे आ गई है थैंकफुली, शूज़ क्योंकि मैंने बिल्कुल नए की नए रखे हुए थे। तो चलिए निकलते हैं आइकिया के लिए, देखते हैं कैसी जर्नी रहने वाली है। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, इसलिए मेरे बाल वाले बिल्कुल बांध लिए हैं, सो जाएगी ये गाड़ी में, सोने के लिए थोड़ा सा चिड़चिड़ भी कर रही है, तो चलिए लेट्स गो। ये हम लोगों का कार सीट लग गया है, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और ये बैठी है कुहू। कुहू कुहू क्या खा जाएगा, पूरा खा जाएगा। ओके गाइस, सो हम लोग हमारा खुद का खाना पैक करके लेके गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने पराठे और चटनी खाई और यहाँ पर ये देखिए कुहू एंजॉय कर रही है और फटाफट से उसके बाद हम लोगों ने बिलिंग कराया अपना। मतलब हमने कोशिश किया था, टारगेट ही रखा था कि कम से कम टाइम लेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज छोटा बच्चा साथ में था, फीडिंग रूम्स वगैरह अवेलेबल थे, आइकिया में तो बहुत ईजीली मैनेज हो गया था। ओके गाइस, सो अब हो गया है, घर निकल रहे हैं। बाप रे बाप, इतना थक गई हूँ मैं, ये सो गई है एंड एंड में, तो ये बहुत रैंकी हो गई थी। अब हाथ छोड़े मैंने, मैं अब आई के आऊँगी सीधे जब ये 2 साल की हो जाएगी तब हो गया मेरा, मतलब ये मेरा लास्ट। बड़ी मैं एक्साइटेड उसमें आ रही थी, मुझे लगा था परेशान नहीं करेगी, बट एट दी एंड छोटी बच्ची पे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, अभी भूख लगती है और नींद आती है तो रोएगी वो। अब हमको पहले आने से पहले भी तैयारी करनी पड़ी, उसके बाद हमको जब सामान सब इसका दुनिया भर की चीज़ें लेके आनी पड़ी, अब वो लेके जा रहे हैं वो घर पे, फिर उसको हटाना पड़ेगा, तो वो तामझाम से तो अच्छा है कि भी जब तक बच्चा 1.5-2 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करना ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग पहुँच रहे हैं घर, वापस जा रहे हैं, ये कुछ हो चुकी है और चलिए निकलते हैं घर। अभी तो कितना बजा है, 5:15 बजे हम लोग निकल गए, 6 बजे तक घर, 6:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। थाने में आजकल ट्रैफिक बहुत रहने लगा, इधर पे तो ट्रैफिक इतना है नहीं। बालों की हालत देखो मेरी, एक तरफ से कहाँ जा रहे हैं दूसरी तरफ से कहाँ जा रहे हैं। मैं आप लोगों से 2 दिन बाद मिल रही हूँ, तो मैंने शार वगैरह सब कुछ ले लिया है, विक्की रहता है, मैं कोशिश करती हूँ तभी शार ले लूँ, वैसे मैं बाद में भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर काम रहता है तो मैं बाद में लेती हूँ, तो जब ये सोती है तब मैं शार लेने चली जाती हूँ इसके प्रैम में डाल करके। तो मुझे इसका प्रैम बहुत यूज़फुल लगा है, ये अब करवट लेने लगी, मतलब खुद से पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। बाथ टब की बात करते हैं, तो बाथ टब था उसको हमने 2 मेन रीजंस की वजह से रिटर्न कर दिया है। एक तो ये कि जब वो सेकंड टाइम रिप्लेस किया तब भी उसका कुशन नहीं आया, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि यार ये क्या है, बार बार उसको मैं मंगवा रही हूँ कुशन नहीं आ रहा है, हमने उसको रिटर्न करा। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा बल्की था, जब हमने उसको बाथरूम में रख करके देखा ना तो हमें मज़ा नहीं आया था, ऑल्दो वो फोल्ड हो रहा था बट फोल्ड होकर के भी उसकी जो विड्थ थी ना वो इतनी मोटी थी, देख के हम छोटा सा कुछ कॉम्पैक्ट सा ले लेंगे। अभी तो उसकी मालिश वाली आंटी आती है, तो जो मालिश वाली आंटी आती है वो आती है 12 बजे और बहुत अच्छी लगी मुझे लिटरली यहाँ की मालिश वाली आंटी। एक्चुअली मैं अगर भोपाल वाली से कंपेयर करूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा टेक्निक वाइज, जो हम वहाँ प्राइस देते थे मेरा और कुहू का, उसका भी उसमें भी 2000 आप और ऐड कर लो, वो सिर्फ अकेला कुहू का होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट्स का भी डिफरेंट, और फिर जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे थोड़े से रेट्स बहुत, और मतलब आप सोचो वो आंटी मुझे डेली नई नई चीज़ें बताती है और मैं बोलती हूँ अच्छा नहीं आंटी ये तो मुझे नहीं पता था, तुम गाँव से आई हो ना, सी बोल कर हम MP के हैं, ये नहीं होता है कि हम भोपाल में रहते हैं, भाई भोपाल भी कैपिटल है, इट्स लाइक अ मतलब भोपाल इज ऑल्सो वेरी बिग सिटी, कोई ऐसी छोटी मोटी जगह नहीं है, गांव से आए हो ना तुम्हारी डिलीवरी गांव में हुई ना, तुम कुछ पता वता नहीं है। मैंने बोला हाँ सही बात है, मैं मम्मी को बता रही थी, मेरी मम्मी तरह हंस रही थी। ओके ना बैक टू आइकिया से हम क्या क्या लेकर के आए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो हम मेन आइकिया के लिए लेने के लिए गए थे यहाँ का जो चेस्ट ड्रॉर ड्रॉर है वो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि हमको आइकिया में हम जैसे ही गए ना, जो फर्नीचर मुझे चाहिए था, जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर मुझे चाहिए था, वो वहाँ पर यूनिट अवेलेबल थी, मतलब जो यूनिट मुझे लेनी थी वो 17,000 की थी और मुझे वो 9,000 में मिल गई। और डिस्प्ले प्रोडक्ट में 2 ऑप्शन थे, 11,000 का ऑप्शन था और एक 9,000 वाला ऑप्शन था, तो जो 11,000 वाली यूनिट थी वो थोड़ी बड़ी थी। यहाँ के लिए ये जो यूनिट आई है ना, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसी जगह के लिए परफेक्ट आई है, तो वो यूनिट आ चुकी है, मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगी, मैं दिखा नहीं रही हूँ। अच्छा, अब हमने ना इस चक्कर में ले तो ली है बट हल्का सा इसमें एक डिफेक्ट है जो हमको घर आकर के दिखा, हालांकि वो बहुत विजिबल नहीं है, विजिबल है बट इट्स लाइक कि हम उसके ऊपर व्हाइट कलर की शीट बिछा देंगे, मतलब मेरे 7,000 बच गए और क्या चाहिए। इसके ड्रॉवर्स एंड फंक्शनैलिटी देखा जाए तो इट्स परफेक्ट। स्टिकर लगा हुआ था ना, जो प्राइस का स्टिकर लिखा रहता है वॉज एंड नाउ, तो वो वहां पे चिप है। डिस्प्ले यूनिट था तो हमको काफी सस्ती मिल गई, तो हमारा बहुत
बेस्ट हो गया, है क्या जाना सफल हो गया। तो एक तो ये बड़ी यूनिट हमको लेनी थी, दूसरी हमको बाथरूम यूनिट लेनी थी। तो अभी बाथरूम मेकओवर को होल्ड करा जाता है क्योंकि अभी हम बिल्डर की तरफ से बुलाएंगे किसी को और चेक करवाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर ना काम करवाए, जो लाइट गई है ना वार्डरोब में वो उधर से खुदवा खुदबू के, तो हो सकता है पीछे का ड्रिल कराने में कुछ हो गया हो, लीकेज हो गया हो, पाइप फट गया हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड रीजन, तो वो काम होगा वहाँ पर बड़ा। तो मैंने कहा अभी बाथरूम को होल्ड पर रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले वो लिया जाए। तो मैं लेकर के आई हूँ ये, मतलब ऑरेंज कलर, मैं सोचती हूँ ऑरेंज बहुत हो गया यार, बट ऑरेंज कलर देखते से मेरा मन ऐसा खुश हो जाता है ना, मतलब ऑरेंज इज माई कलर, ऑरेंज एंड येलो इज माई कलर। ये स्टिक है लीव की और ये स्टिक है फ्लावर की, पर मैं इसको ऐसे साथ में लगाती हूँ बिकॉज दे लुक सो ब्यूटिफुल टुगेदर, लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो येलो एंड ऑरेंज कलर का मुझे फ्लावर दिख गया, तो बंच दिख गया, तो मैं ये भी लेकर के आई हूँ। ये भी देखिए कितना सुंदर है, सो प्रिटी, राइट। तो मैं फ्लावर्स लेकर के आई इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे फ्लावर्स यूज करती हूँ, वैसे मैं ओरिजिनल फ्लावर्स भी बहुत यूज करती हूँ, बट अभी क्या है सीजन, मार्च के बाद से ओरिजिनल फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, मुंबई में तो नहीं मिलने वाले, अभी भी वो बहुत महंगे मिलते हैं। एक जो बंच में लेकर के आई हूँ वो ये वाला लेकर के आई हूँ, ये भी बहुत सुंदर है, और लास्ट जो मैं लेकर के आई हूँ वो ये वाला बुके लेकर के आई हूँ। और हाँ, फिर विक्की को भाई पता नहीं कहाँ से ये दिख गया, तो विक्की इज लाइक, मतलब वो इतना क्या होता है, कुहू का जितने भी कपड़े होते हैं वो मैं मंगवाती रहती हूँ, उसको मौका नहीं देती लेने का, है ना। फिर उसके बाद उसके जो टॉयज हैं वो सब गिफ्ट में आ जाते हैं, तो ये विक्की को मौका नहीं मिलता। तो उसने जब इसको देखा उसको बड़ा पसंद आया, पोलर बियर है वैसे ये विक्की बोलता है, बट मैं इसको बोलती हूँ कि ये डॉगी है। तो ये टीदर का काम भी करेगा, बहुत सॉफ्ट है, तो ये देखिए ऐसे बचता भी है और यहाँ पर ऐसे टीदर का काम करेगा। ये भी विक्की ने जिद कर करके लिया, मैं विक्की को इतना समझाया कि अभी उसके काम का नहीं है, अब बड़ी होने वाली है वो, बट उसका इतना मन था लेने का तो उसने ये लिया है, तो ये लिया है और साथ में अलग से इसका कवर भी लिया है, तो ठीक है अभी तो यूज में आ रहा है उसको। बाकी मैं विक्की से इतना जिद कर रही थी कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स लेने दो, इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स लेने दो, उसने मुझे नहीं लेने दिया, कहता पहले आने दो यूनिट उसके मेजर करके ऑर्गेनाइजर्स लेना। तो वो यूनिट आ गई है, मैंने ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर कर दिए हैं, कल सारे ऑर्गेनाइजर्स डिलीवर भी हो जाएंगे, एक दिन में डिलीवर हो जाते हैं मुंबई में। तो उसके बाद संडे को क्या हुआ कि संडे को मैंने कोई व्लॉग इसलिए नहीं किया, निशा आने वाली, निशा और भैया आने वाले थे, तो जब से मैं यहाँ आई हुई थी ना, निशा मिलने नहीं आई थी, भैया ने कंडीशन रखी थी निशा को अकेले नहीं आने देने की, उनको ये था कि सबसे पहले कुहू को गोदी में वो लेंगे निशा से पहले। उसके बाद निशा के साथ ना आंटी भी आने वाले थे, मतलब उनकी मम्मी भी आने वाले थे। संडे को हमने क्या किया, मैंने और विक्की ने, मतलब इतने दिनों से घर ना ऐसा हो रहा था, इतना एक डब्बा जम रहा है, एक दिन एक सेक्शन जम रहा है, तो संडे को मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा आज अपन करते हैं पूरा घर चमकाते हैं, बहुत हो गया, इतना मजा नहीं आ रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो मैंने ना इसको अच्छे से फीड कराया, सुलाया जबरदस्त तरीके से, और फिर उसके बाद हमने डेढ़ घंटे का टाइम लिया है, मात्र डेढ़ पौने दो घंटे का। विक्की ने क्लीन करना स्टार्ट करा वॉशरूम, फिर उसने क्लीन किया उसका रूम, मैंने क्लीन करा किचन, पूरा जमा दिया अच्छे से, ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो, और लिविंग रूम ये तो काफी क्लीन ही है, ये हम क्लीन ही रखते हैं ऑलमोस्ट डेली, इसकी डस्टिंग होती है क्योंकि कुहू यहाँ पर सोती है, वॉशरूम भी काफी क्लीन है। मैं लिविंग रूम बताती हूँ, काफी क्लीन हो गया, मतलब इट्स क्वाइट सॉर्टेड नाउ, थोड़ा ऐसे ये देखिए काफी क्लीन क्लीन हो गया है। किचन में मैंने काफी सॉर्ट कर दिया, हालांकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये थोड़ा चेंज होगा, बट स्टिल अभी धीरे 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 कम से कम फंक्शनल तो किया हम लोगों ने, थोड़ा बेटर किया पहले से। ये देखिए है जो यहाँ पर बनने वाला है, उसके लिए बुकिंग कर दिया है, तो आज कारपेंटर भैया आने वाले हैं इसका फाइनली साइज वगैरह लेने के लिए, और यहाँ के लिए भी जो बेड बन रहा है वो भी आज डिसाइड होगा, फाइनल हो जाएगा उसकी डिज़ाइन में। एक्चुअली विक्की की अलग डिज़ाइन है, मेरी अलग डिज़ाइन है, तो हम दोनों का क्लैश हो रहा है। मैं कह रही हूँ मेरी डिज़ाइन अच्छी है, विक्की कह रहा है उसकी डिज़ाइन अच्छी है, तो वो चीज़ हो रही है। वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।